यहाँ पे सारी आपको सब्जियाँ देखने को मिल जाती हैं, एकदम फ्रेश सब्जियाँ हैं। कोई सब्जी आपको बस जो बोल रहा हूँ ना समझ लीजिए। क्या बोला तूने? ये देखिए, ये है रोड साइड कैंप, यहाँ पर अफ्तार होता है। ईद ईद का जब महीना आता है, रमजान का महीना आता है, तो सारी मार्केट एकदम खचाखच भरी होती है। वैसा दोपहर के 4:30 बज रहे हैं और अभी मैं चर्च सो के उठा, मेरी आंखों से देख सकते हैं। आज मैंने ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा नींद आई है कि भाई साहब मेरे से तो कोई काम नहीं था दोपहर में, इसके से कोई उठाने वाला नहीं था। बस हाँ, आज एक सब्सक्राइबर मुझसे मिलने के लिए आए थे, बस तभी मैं उठा था, उसके अलावा मैं नहीं उठा। अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों ने इतनी इज्जत दी, आप लोग इतना प्यार करते हैं, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। मैं उनके साथ वीडियो नहीं बना पाया, मैं नींद में था, याद ही नहीं था कुछ। उसके बाद मैं फिर सो गया। अभी जस्ट बाबा का फ़ोन आया तो मैं सो के उठा हूँ। वो भी फ़ोन आया, उन्होंने उनको कुछ काम है, कुछ मंगाना है, इसके वजह से उनको फ़ोन आया, वरना फ़ोन भी नहीं आता। तो अभी मैं जा रहा हूँ फॉर्म, वहाँ से कुछ सामान लाना है, फॉर्म मजरा फार्म, वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ सामान लाना है, तो चलते हैं लेके आते हैं, जो भी हो बताएंगे आप लोगों से, पूछते हैं आप लोगों से कैसे आप लोग, इंशाल्लाह आप सभी अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी अच्छा है, आप लोग की दुआएं, आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट है। तो गाइस फॉर्म मुझे नहीं मालूम आप लोग पहले मैंने उसको दिखाया कि नहीं दिखाया है, लेकिन नहीं दिखाया है तो मैं दिखाता हूँ आप लोग को। फार्म एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर एकदम फ्रेश सब्जियाँ देखने को मिलती हैं, और वहाँ पर मुझे अच्छा लगा, मतलब कि जो पंडा वगैरह होता है, ओते वगैरह होता है पंडा में, मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा सब्जियाँ मुझे देखने को मिलती है पंडा में। ओते में भी अच्छा है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा सब्जी नहीं देखने को मिलती, होती सब्जियाँ बहुत लेकिन वहाँ पर ज़्यादा नहीं होती। और ये फॉर्म जो है यहाँ पर तो बहुत सब्जियाँ होती हैं और प्लस फ्रेश होती हैं सारी सब्जियाँ। यहाँ तक कि मैंने यहाँ पर इमली तक की देखने को मिली है, और जगह मैंने आज तक इमली वगैरह नहीं देखी है। चलते हैं, जो भी होगा आपको दिखाएंगे आगे, चलो चलते हैं। अभी आप देखिए, वो सामने आपको दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो है फॉरम। तो ये है वो फॉरम जिसकी भी बात मैं कर रहा था, वही चलते हैं अंदर, चल के दिखाते हैं अंदर क्या होता है अंदर। तो देखिए, यहाँ पर आपको इतनी तरीके की चीज़ मिल जाएगी, आपने कभी देखी ही नहीं होगी, पूरी चीज़ लगी हुई है यहाँ पर। ये आपको लग रहा है वो छेना है, लेकिन छेना नहीं है, भी चीज़ ही है। और इधर आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो वो होता ना, उसको क्या बोलते हैं, सिरके में पड़ी हुई सारी सामान मिलेगी। ये सब सिरके में पड़ा हुआ है, मुझे इसका नाम भी नहीं याद है, कुछ कुछ का नाम याद है, जैसे कि ये पिज़्ज़ा वगैरह में पड़ता है, और ये फलाफल वगैरह में पड़ता है, वो पीछे मिर्ची वगैरह रखे हुए हैं, इधर चटनी वगैरह है, तहीन वगैरह है। उसके बाद ये यहाँ पर जैसे स्लाइसेस में सामान है, जितना सारा सामान जैसे कि चीज़ वगैरह है स्लाइसेस में है, इधर चीज़ मोज़रेला चीज़, और यहाँ पर शायद मीट वगैरह है, ये बर्गर का आइटम, चिकन वगैरह देखिए कैसे लगे हुए। यहाँ तक कि आपको यहाँ पर सीख कबाब भी मिल जाएगा, ये देख रहे हैं ना, ये सीख कबाब है, इतना मतलब कि इतने अच्छे से सजाया हुआ है कि लगता है कि कोई वो है शोरूम है जिसे लगता है। देखिए ये वो हो गया, इसको बोलते हैं कोफ्ता। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं, आप उसका रेट देख सकते हैं, ये पिस्ता बादाम है 72 किलो, 72 किलो, 65 किलो, 88 किलो, ये 65 किलो। यहाँ पे सारी आपको सब्जियाँ देखने को मिल जाती हैं, एकदम फ्रेश सब्जियाँ हैं, कोई सब्जी आपको बस जो बोल रहा हूँ ना समझ लीजिए। आप सिर्फ टमाटर जो है ना, इनके बॉक्सेस देखिए, उनका क्वालिटी देखिए, लेकिन प्राइस देखिए 14-15 रियाल किलो है। आपको यहाँ पर मूंगफली भी देखने को मिल जाती है, जो कि है 17 रियाल किलो। जैसे मैंने आप लोग बताया था, यहाँ पर इमली भी देखने को मिल जाती है, देख सकते हैं ये है इमली, लेकिन 11 रियाल की एक बॉक्स है। प्लस यहाँ पर आपको लौकी वगैरह देख सकते हैं, लौकी यहाँ पर वो है, प्याज वाला होता है ना, प्याज का सागा वो है। उसके बाद ये पालक वगैरह है, उसके बाद यहाँ पर ये सोया मेथी वगैरह है। मुझे ऐसे ज़्यादा कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन बस खीरा लूँगा, ये
ककड़ी एक क्या बोलते हैं गाजर लूँगा और ये इधर खीरा है ये लूँगा, एकदम फ्रेश दिखाई पड़ रहा है इसलिए मैं ले रहा हूँ। बाकी नींबू चाहे लेना होगा तो शरबत बनाने के लिए नींबू ले लेंगे। तो दोस्तों अभी सामान ले लिया है, सारा सामान इनका कुछ गतायफ था और गस्ता था, मतलब कि एक ब्रेड होती है जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गोल गोल, वो थी और क्रीम थी। इनको मालूम है 30 रियाल 32 रियाल का होता है, उसके बाद भी 25 रियाल भेजेंगे। तो क्या है बे, जहाज बना के चलेंगे, कोई इंसान अगर निकल रहा है एक सीट मार रहा है तो उसको भी निकलने देंगे। तो मैंने सामान ले लिया है, 31 रियाल का हुआ 25 रियाल भेजे, अभी भी उनको बिल भेजा है फिर भेजेंगे। ये देखिए ये है रोड साइड कैंप, यहाँ पर अवतार होता है। ये रोड साइड कैंप आपको सऊदी अरब में हर जगह पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप बैठ कर भी खा सकते हैं और ले कर भी जा सकते हैं, मतलब कि आपको अगर यहीं पर अवतार करना है तो अवतार कर लीजिए, वरना आप अपने साथ पॉलिथीन वगैरह लेके आइए, जो भी आइटम है सारा आइटम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तपसा होता है, कद्दूर होता है और फल वगैरह होते हैं, जो भी होता है जो भी उस टाइम पर अवेलेबल होगा वो आप सब आपको मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं फुटपाथ पे सामान लगी हुई है, यहाँ पर अरबी लोगों का खाना मिलता है। तो लोग जो लोग पिकनिक करने जाते हैं, जो लोग घर नहीं अवतार करते हैं, तो वो लोग यहाँ से सामान खरीदते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं कहीं पर अपना मैट बिछा के वहाँ पर अवतार करते हैं। 2000 years later. So guys, अभी रात के बज रहे हैं 1 और अभी मैं अपनी मैडम के साथ आया हूँ 10 सिटी में। मैं घर से लगभग 12 बजे निकला था, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर रात में ही अब ड्यूटी लगेगी, तो दो दिन से ड्यूटी नहीं लग रही थी क्योंकि गाड़ी नहीं थी घर पर, आज गाड़ी आई है। अब गाड़ी नहीं होती ड्यूटी लगती है। वैसे गाड़ी क्या मतलब कि शाम को जो है अब्दुल्ला गाड़ी लेके ऑफिस चला जाता था, अब ऑफिस चला जाता था तो अभी गाड़ी है नहीं घर पर, दोपहर में रहती लेकिन रात में लेके जाता था। तो अभी हम लोग आए हैं 10 सिटी पर, मैडम मोहम्मद इब्राहिम और एक छोटी नवासी है वो आई है, तो 1 घंटे हो गए और ऐसे कुछ ज़्यादा भीड़ है नहीं, जैसे अपने लोग के ऐसे होती ना भीड़। भाई साहब ईद का जब महीना आता है, रमज़ान का महीना आता है, तो सारी मार्केट एकदम खचाखच भरी होती है, वैसा कुछ है नहीं यहाँ पर, एकदम खाली पड़ा है। पार्किंग भी आसानी से मिल गई नॉर्मल डे के तरीके। सो दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं लगभग 2:30 और मैं भी आ गया हूँ, जैसे मैं आप लोगों को बताया था मैं मैडम के साथ गया था शॉपिंग के लिए, तो अभी आ गए हैं और अभी टाइम है शहरी का, तो बनाते हैं खाते हैं उसके बाद जो भी होगा बताएंगे आप लोगों को, क्या होगा बताएंगे क्या, ऐसे भी कल ही ब्लॉग नया शुरू होगा। तो ठीक है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तो वीडियो प्लीज़ पसंद है प्लीज़ लाइक कर दो, करे यार दबा दे यार, पैसे नहीं लग रहे हैं, पैसे लगते तो फिर क्या होते हैं यार, दबा दो फटाक से लाइक, ना हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, पुराने हो तो लोगों को शेयर कर दो, अपने पहचान वालों को अपने नाई नाना दादी दादा फुफ्फी ऊपर सबको शेयर करो, बोलो भाई सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करवाने के बाद मिलते हैं किसी न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।